हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। तो देखो, करंट अफेयर्स है हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा कि हर चीज कैसे है। ओके, जो आज करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, कुछ जो है उनके बारे में आपको शॉर्ट से बता दिया जाएगा, लेकिन जो है स्टार्टिंग के हैं उनके बारे में डिटेल से बताने लायक है, तो इसलिए वो डिटेल में बताई जाएगी। ओके, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने व्यूअर हैं तो भी सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। ओके, और बेल आइकन को याद करके ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ष 2003 से वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। ओके, यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों को जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय सोल वाटर है। ओके, इस दिन की शुरुआत 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शिक्षक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बांस उद्योगों के संरक्षण और समर्थन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ओके, तो ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2009 में बैंकॉक में हुए वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस में लिया गया था। ओके, तो ये देखो ये प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि विश्व बांस दिवस के मौके पर झारखंड में दुमका नाम का एक जगह है, दुमका में 18 व 19 सितंबर को राष्ट्रीय बांस दिवस कारीगर मेला का आयोजन किया। ओके, झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड की उपराजधानी दुमका को ही माना जाता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है और दुमका में मेला लगा है। इसका आयोजन लघु और कुटीर उद्योग विकास बोर्ड एवं उद्योग विभाग द्वारा किया गया। ओके, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में बताया गया कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल शुरू की, तो कॉमन सी बात ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ये मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि कोई पहल शुरू हुई है मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये मैक्सिमम ट्विटर ही आता है, ट्विटर पे ही कोई मुहिम शुरू होती है तो ट्विटर ही नंबर वन पे आता है कुछ मुहिम शुरू करने के लिए, कोई पहल शुरू करने के लिए। ओके, ट्विटर के बारे में बात करें, ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्से और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है हाल ही में एसडीजी के सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, मैक्सिको एसडीजी के सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। एसडीजी क्या है, एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, और एसडीजी को ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्लोबल गोल्स। ओके, इसमें यही था। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक संपादन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो वो क्या है, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। तो बीएस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसमें 15,300 करोड़ तो कृषि क्षेत्र में वितरण किया जाएगा और 24,000 करोड़ रुपए गैर कृषि क्षेत्र के लिए वितरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है हाल ही में बी आर कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो आपके लिए बता दूं कि बी आर कृष्ण कुमार एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1951 को और मृत्यु हुई है 16 सितंबर 2020 में। ये कोइंसिडेंट है, इनका जन्म भी और मृत्यु भी एक ही महीने में हुई है। ओके, और ये एवीपी रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। एवीपी का क्या मीन है, एवीपी की फुल फॉर्म है आर्या वैद्य फार्मेसी लिमिटेड। ओके,
तो ये इसके एवीपी के एमडी भी रह चुके हैं, और ये एवीपी जो है ना, ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च फाउंडेशन है जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम को आयुर्वेद के लिए प्रमोट करती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया है, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है? वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इसके राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बहुत बार नाम सुना होगा आपने आनंदीबेन पटेल, तो वे हैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल। इस प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 37 लाख नए हितग्राही को 16 सितंबर से राशन वितरण करा। ओके, इसमें यही नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? ओके, तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। नंबर 9 में बोला गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये किया है असम सरकार ने। असम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने और आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार ने हाल ही में सब्सिडी की घोषणा की है। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और राजधानी है इसकी दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में 73वें सत्र की मेजबानी किसने की? तो मेजबानी की है थाईलैंड ने। ओके, और WHO की फुल फॉर्म आप सबको मैक्सिमम को पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अदहानम। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, हाल ही में आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है अरुंधति रॉय ने। ओके, तो सुजानाम अरुंधति रॉय इनका पूरा नाम है, जो कि एक इंडियन ऑथर है। उनकी एक बेस्ट नॉवेल जो रहा है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि मैन बुकर प्राइज उसने 1997 में जीता था। ओके, उनकी बुक ने जीता था, मतलब उन्हें ही मिला था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? वो किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने ये जो गली मोहल्ले में हो जाते हैं लड़ाई भिड़ाई एक्सीडेंट, तो उनके लिए उसमें एम्बुलेंस तो इतनी बड़ी गाड़ी तो जा नहीं पाएगी, इसलिए उनके लिए उन्होंने बाइक बुलाई हैं जो कि सरकार की तरफ से हैं। ओके, तो राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और उनके राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर रघु शर्मा, और राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो वो है कालराज मिश्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला गया है, हाल ही में किसने नया सदन भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? अनुबंध मीन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लिया है टाटा ने। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन बनाने की घोषणा की है, जो कि 21 महीने में उसे पूरा करके तैयार हो जाएगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1,00,000 मास्क प्रदान किए हैं? तो वो किए हैं दक्षिण कोरिया ने भारत को मुफ्त 1,00,000 मास्क दिए हैं। ओके, साउथ कोरिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है मून जेई इन, और इसकी कैपिटल है सियोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, हाल ही में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है हिमाचल प्रदेश की बारे में बात करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी समर यानी विंटर में, इस समर में जो गर्मियों में वो होती है शिमला, और विंटर यानी सर्दियों में इसकी राजधानी चेंज हो जाती है, वो हो जाती है आपकी धर्मशाला। तो ये एक प्रदेश है जिसकी दो राजधानी है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में बात करें, वे हैं जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है बेनदारू दत्तारिया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है,
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए भारत के कितने तटों की सिफारिश की है? तो 8 समुद्र तट की सिफारिश की है, जिनमें पहला है गुजरात के शिवराजपुर, दूसरा है दमन और दीव के घोघला, तीसरा कर्नाटक के कासरकोड और चौथा भी कर्नाटक में है पदुबिद्री बीच, ओके। और इसमें पांचवा है केरल के कप्पड़, छठा आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा, सेवेंथ है उड़ीसा का गोल्डन बीच और आठवा है अंडमान और निकोबार में राधा नगर के बीच, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, भारत मानव पूंजी सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है? तो वो है 116वें स्थान पे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक सिंगापुर द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और जिसमें भारत का स्थान 116वां है और जो कि भारत ने बहुत अच्छा किया है, ओके। यह जीवन यापन, गुणवत्ता, समयोजिता, स्कूल और जीवित रहने की दर, 5 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य विकास की दर को मिला के इनका एवरेज जो देखा जाता है उसमें ये होता है इसमें मानव पूंजी सूचकांक में, तो इसमें भारत का स्थान 116वां स्थान रहा है, ओके। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का आइकन बेल आइकन को ऑन याद करके ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। थैंक यू।